नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। क्रिसमस स्पेशल में आज मैं आप लोगों की एक लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को रोज कुकीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चीनी मैंने लिया है 1/3 कप, राइस फ्लोर मैंने लिया है 1 कप, कोकोनट मिल्क मैंने लिया है 1 कप, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, मैंने पाउडर्ड कलर को थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करके रख दिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, नमक थोड़ा सा, तिल मैंने लिया है 1 टीस्पून और मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। और आपको चाहिए ऑयल डीप फ्राई करने के लिए, और आपको रोज़ कुकीज़ का ये मोल्ड जो ऑनलाइन मिल जाएगा ये चाहिए, और जो कुकी हम बनाएंगे उसको चलाने के लिए कुछ भी शार्प आप ले लीजिए, मैं ये ले रही हूँ चलाने के लिए, इसे पलटने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बैटर रेडी कर लेते हैं। मिक्सिंग के लिए आप बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। मैं पहले सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। मैंने राइस फ्लोर डाल दिया है, चीनी डाल रही हूँ मैं, मैदा, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, नमक डाल रही हूँ मैं, और जो काला तिल मैंने लिया है वो डाल रही हूँ। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क धीरे धीरे डाल के इसका पतला सा बैटर रेडी करूँगी। बैटर मैंने रेडी कर लिया है, मैं अब इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से कलर आपका अच्छा आएगा। ये हम कुकीज़ बोल रही हूँ तो ये बेक करने वाला कुकीज़ नहीं है, ये फ्राई करने वाला कुकीज़ है। तो मैंने बैटर रेडी कर लिया है, अब मैं तेल गरम करूँगी। बैटर हमारा रेडी है, देखिए दोस्तों, ऐसा फ्री फ्लोइंग बैटर चाहिए हमें। तेल जब तक गरम होता है आपको ये मोल्ड ऐसे ही छोड़ना है, इसको गरम करना है। तो तेल भी गर्म होता रहेगा, आपका मोल्ड भी गर्म होता रहेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मोल्ड भी गर्म हो चुका है। अब हम इस मोल्ड को यहाँ पे डिप करेंगे। मैंने ये कुकी बना दिया है, मैं इसे उलट रही हूँ। देखिए हमारा रोज कुकीज़ बन रहा है। ये जब बन जाएगा ये अपने आप मोल्ड से निकल जाएगा। थोड़ा समय हम ऐसे रखेंगे, फिर ये मोल्ड को यहीं छोड़ देंगे ताकि ये गर्म ही रहे। फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरा साइड भी इसका थोड़ा लाल हो जाए। देखिए ये हमारा बन गया, मैं अब इसे निकाल रही हूँ। निकाल के आप किसी थाली में रख दीजिए। देखिए ये मोल्ड से फिर निकल गया अपने आप। मोल्ड को आप कढ़ाई में ही छोड़ दीजिए, मैं अब इसको टर्न कर रही हूँ। ज़्यादा समय इसको फ्राई करना नहीं है, फ्लेम को आप मीडियम ही रखिए। मैं अब इसे निकाल रही हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और भी क्रिस्पी बनेगा। मैं मोल्ड को निकाल रही हूँ, देखिए इसको मैं बैटर में डाल रही हूँ। पूरा डिप मत कीजिए, अगर ऊपर लग गया तो ये निकलने में मुश्किल हो जाएगा। अपने आप ही ये निकल जाएगा, देखिए कितनी आसानी से निकल गया ये। देखिए दोस्तों, मैंने सारे रोज कुकीज़ बना लिए हैं। एक दो बीच में ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मोल्ड में ज़्यादा तेल लगा है तो ये बैटर चिपकेगा नहीं, और आपको बीच बीच में बैटर को चलाते रहना है, फिर मोल्ड डालना है। मैं आपको कुकीज़ दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी बने हैं, इसकी आवाज़ सुनिए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखें कितना क्रिस्पी बना है हमारा रोज कुकीज़। आशा करती हूँ इस क्रिसमस में आप ज़रूर बनाएंगे, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। क्रिसमस अधूरा है रोज़ कुकीज़ के बिना। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, देखिए रोज़ कुकीज़ कितने सुंदर लग रहे हैं। आशा करती हूँ इस क्रिसमस में आप ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपी, और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी क्रिसमस।